मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इंडिया गठबंधन बचा है या नीतीश कुमार ने इसका अंतिम संस्कार कर दिया? अंतिम संस्कार जैसी हमारी शब्दावली नहीं है, अंतिम संस्कार की शब्दावली अहंकारी लोगों की है, भाजपा और भाजपा के लोगों की। कब इंडिया गठबंधन का क्या होगा? अब तो अंतिम संस्कार हो गया। प्रमोद कृष्णन बिल्कुल भी हमारी पार्टी में किसी पद पर नहीं है। अरे पार्टी में तो है ना सुरेंद्र जी, बहुत में जिम्मेवारी। अरे पार्टी में तो है ना, पार्टी में है। आपने चुनाव लड़ाया था राजनाथ सिंह जी, आपसे अगर कोई नेता थोड़ा बहुत अपना वोट पा जाए उसको तो निपटाने में आप लोग माहिर है भाई, उत्तर से दक्षिण तक देख लिए भाई। सुरेंद्र राजपूत जी अपनी पार्टी के बारे में थोड़ी जानकारी। नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए हाथ पे इंदिरा जी की बात पे, मोहन जी हाथ पे, वो अपनी पुरखों की बात को रख के हाथ पे पार्टी में। आज की डिबेट बहुत शानदार होने वाली है। आज की वीडियो में कांग्रेस की प्रवक्ता को अच्छे से धो डाला, क्योंकि कांग्रेस की प्रवक्ता पहले से पढ़े लिखे तो आते नहीं हैं और ऐसे ही मुंह उठा के चले आते हैं। इस बात में डिबेट में एंकर ने उन्हें बड़े अच्छे से धो डाला, तो आज की डिबेट बहुत मजेदार और फनी होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आप चैनल में नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिबेट। थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इंडिया गठबंधन बचा है या नीतीश कुमार ने इसका अंतिम संस्कार कर दिया? देखिए, अब मैं फिर से एक बात कहता हूं दीपक भाई, अगर हम अंतिम संस्कार की बात करने लगे तो अंतिम संस्कार वाली भाषा हमारी नहीं है। अंतिम संस्कार वाली भाषा उन मायावी लोगों की होती है, उन अहंकारी लोगों की होती है, उन निर्लज्ज लोगों की होती है जिन लोगों को लोकतंत्र पर भरोसा नहीं होता। अंतिम संस्कार हम तो भाजपा का भी नहीं चाहते, हम एनडीए का भी नहीं चाहते, वो लोग चाहते हैं या उनके आप जैसे साथी चाहते हो, ये आप लोगों को मुबारक हो। अंतिम संस्कार जैसी हमारी शब्दावली नहीं है, अंतिम संस्कार की शब्दावली अहंकारी लोगों की है, भाजपा और भाजपा के लोगों की। हमारे तो वो प्रतिद्वंदी, हमारे दुश्मन नहीं है, हम उनको कतई मारना नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि वो लोग जीवित रहे, वो लोग अच्छे स्वस्थ रहे और अपनी हार को देखें अपने सामने जाकर के। हम अंतिम संस्कार जैसी कोई बात नहीं करते। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। सही बात है, अंतिम संस्कार नहीं कहते, ये सीधे मौत के प्रकार बताते हैं। हिटलर की मौत, कुत्ते की मौत वगैरह वगैरह, फिर मोदी तेरी कब्र खोदेगी, बहुत सटीक हैं ये लोग। दीपक जी, अंतिम संस्कार तो हिंदुओं में होता है और कब्र कहीं और खुदती है, तो जब गाली भी देना होता है ना तो बहुत सटीक वोट बैंक का ध्यान रखते हैं। कब्र वब्र खोदते रहते हैं, हिंदुत्व की भी कब्र खोद देते हैं, फिर कहते हैं अंतिम संस्कार की बात नहीं करेंगे। तो मैं इनकी बात से सहमत हूं, अंतिम संस्कार नहीं करते, कब्र खोदने की बात कहते। बता दूं एक पॉइंट टेक्निकल, ये बातें उस समय भी आई थी कि नीतीश जी इस बात पे नाराज थे कि इंडिया गठबंधन का नाम इंडिया रखने के ऊपर, और वो इस बात से अप्रसन्न थे। फिर मैं जहां से बात शुरू किया था वहीं समाप्त करता हूं। सुरेंद्र जी ने अंतिम संस्कार की बात कही थी, आप नहीं कहते, तो मैं मान्यवर एक बात पूछना चाहता हूं। एक यूपीए भी तो होता था जिसने आपकी दो बार सरकार चलाई है, अब ये आप इंडी इंडी गठबंधन यानी इंडिया बोलते हैं, वो यूपीए का क्या हुआ है जरा बता दीजिए। वो यूपीए अभी है या उसका अंतिम संस्कार तर्पण अर्पण करके इंडिया में मिला दिया गया है? और यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी थी, कांग्रेस के अध्यक्ष तो खड़गे जी हैं, तो सोनिया जी का आजकल स्टेटस क्या है? मतलब यूपीए है या नहीं, ये मुझे जानकारी नहीं है। कृपया उसका अंतिम संस्कार हो गया या नहीं, ये मुझे जानकारी बता दीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी बताइए, यूपीए है या नहीं? तीन चार चीजें बड़ी साफ है सुधांशु, पहले ये तो बता दीजिए यूपीए है कि नहीं सुरेंद्र भाई? यूपीए पर और सोनिया गांधी जी पर, सोनिया गांधी जी हमारी सर्वोच्च नेता है, थी और रहेंगी। हम लोग मार्गदर्शक मंडल में आपकी तरीके से नहीं डालते हैं सुधांशु जी। और रही बात अंतिम संस्कार की, तो ये भाषा हो सकती है आपकी, हो सकती है, आप लगातार इस भाषा को डिफेंड करिए और जितना आप डिफेंड करेंगे उतना ही आपको मायावी रूप में जाना जाएगा, उतना ही आपको अहंकारी रूप में जाना जाएगा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? नीतीश जी ने इसका अंतिम संस्कार कर दिया, तो अब इंडिया गठबंधन का क्या होगा? अब तो अंतिम संस्कार हो गया। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, प्रमोद कृष्णन जी हमारे यहां किसी आधिकारिक पद पर नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, प्रमोद कृष्णन जी किसी भी तरीके से श्रीमती प्रियंका गांधी जी के सलाहकार नहीं है, ये मीडिया का फैलाया हुआ भ्रम है। और नंबर तीन, अगर ये भाषा प्रमोद कृष्णन भी बोल रहे हैं तो मैं प्रमोद कृष्णन की भी उसी तरीके से मजम्मत करता हूं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पहले बोला और उसके बाद प्रमोद कृष्णन ने इस बात को बोला। प्रमोद कृष्णन हमारे यहां किसी भी आधिकारिक पद पर कतई नहीं है और अंतिम संस्कार की भाषा अगर कोई भी बोलता है, दीपक चौरसिया बोलते हैं, सुधांशु त्रिवेदी बोलते हैं, सुरेंद्र राजपूत बोलते हैं, या प्रमोद कृष्णन या नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, सबका एक तरीके से प्रतिकार होना चाहिए, क्योंकि भारतीय सभ्यता की परिभाषा में यह कहीं पर भी नहीं आता है। हम तो लोगों की लंबी उम्र की कामना करते हैं, सुधांशु
सुधांशु जी की भी लंबी उम्र की कामना करते हैं, मोदी जी की भी लंबी उम्र की कामना करते हैं कि आए अगली बार सरकार में विपक्ष में बैठे और अपने किए हुए कर्मों का पश्चाताप करें। ठीक है, प्रमोद कृष्णम जी क्या है सब जानते हैं, मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं, आप ही की पार्टी के नेता है। बिल्कुल, मैं पूरी जिम्मेवारी से कहता हूं। सुधांशु त्रिवेदी जी का जवाब, प्रमोद कृष्णन बिल्कुल भी हमारी पार्टी में किसी पद पर नहीं है, कोई प्रियंका गांधी जी के सलाहकार नहीं है। सुरेंद्र जी बहुत मैं जिम्मेवारी, अरे पार्टी में तो है ना, पार्टी में है, आपने चुनाव लड़ाया था राजनाथ सिंह जी के खिलाफ हमसे। हमने तो कई लोगों को चुनाव लड़ाया था, लेकिन आज की डेट में वो पार्टी के सदस्य हैं या नहीं है ये भी मुझे नहीं पता है। अरे ये तो आज की डेट में किसी पद पर नहीं है, किसी आधिकारिक पद पर नहीं है। अरे राष्ट्रीय प्रवक्ता को नहीं पता कि बिल्कुल कार्यकर्ता है, नेता है, नहीं है। करोड़ों मैं वही कहता हूँ, करोड़ों लोग हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अब उन्होंने अपना वो रिन्यूअल है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, हमारी पार्टी के किसी आधिकारिक पद पर नहीं है। मैं निषेध करता हूं मीडिया की इस बात का, झूठ फैलाती है मीडिया कि वो प्रियंका गांधी जी के सलाहकार है, वो प्रियंका गांधी जी के सलाहकार प्रमोद कृष्णन नहीं है। देखिए ये तो इनका अंदरूनी मामला है कि वो ये कहना चाहें कि प्रियंका गांधी जी के सलाहकार हैं या नहीं, ये प्रियंका गांधी जी का ऑफिस इसको वेरीफाई कर सकता है। मगर मैं इतना बता दूं सुरेंद्र राजपूत जी को कि 2019 के लोकसभा में कांग्रेस के आधिकारिक प्रत्याशी थे लखनऊ से, और सोनिया गांधी जी के बाद सबसे ज्यादा वोट उन्हीं को मिले थे, और जबकि सोनिया गांधी जी के खिलाफ सपा बसपा ने अपना ज्वाइंट कैंडिडेट नहीं उतारा था और प्रमोद कृष्णम के खिलाफ उतारा था, इसलिए उसके बावजूद मिले थे। तो भैया बहुत अच्छे, आप बिल्कुल सही कहते हैं, अगर कोई नेता थोड़ा बहुत अपना वोट वोट पा जाए उसको तो निपटाने में आप लोग माहिर हैं भाई, उत्तर से दक्षिण तक देख लिए भैया, गुलाम नबी आजाद जी से लेके, कैप्टन अमरिंदर से लेके और विजय बहुगुणा जी से लेके, जो मिल जाए मजबूत नेता थोड़ा उसको तो निपटाने में आप लोग माहिर हैं। कहते हैं कि नेहरू जी ने वो पत्र लिखा, छोड़िए इस बात को, आप आरक्षण के विरोधी हैं ना, आज आप मान गए ना राज्यसभा में कि आप आरक्षण के विरोधी हैं, आप जातिगत रूप से आरक्षण नहीं देना चाहते हैं, आप आरक्षण की सीमा नहीं बढ़ाना चाहते हैं, आप जाति जनगणना नहीं कराना चाहते हैं, स्पष्ट रूप से कहिए नेहरू जी के पीछे क्यों छुप रहे, आप कहिए, अगर आप में हिम्मत है, हैसियत है और हौसला है तो कहिए कि आप आरक्षण के विरोधी हैं, आप कहिए कि आप जातिगत जनगणना बिल्कुल नहीं कराएंगे, जिसको जो करना हो कर ले, आप कहिए कि प्रधानमंत्री जी जो है आरक्षण में, नौकरियों में आरक्षण नहीं देंगे, आरक्षण खत्म करेंगे, अगर आप में हिम्मत है आप नेहरू जी के पीछे क्यों छुप रहे हैं, आज की डेट में इस बात को कहिए। सुरेंद्र जी सिर्फ नेहरू जी नहीं, इंदिरा जी के जमाने में क्या नारा था, जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। अब आइए राजीव गांधी जी 6 दिसंबर 1990 मंडल कमीशन का विरोध करते हुए बोले और उन्होंने कहा कि कांग्रेस जात पात में विश्वास नहीं करती। अरे प्रभु आप बताइए कि आप जाति जनगणना के विरोध में हैं, आप पिछड़ों को आरक्षण देने के विरोध में हैं, भाई आ रहा कहिए आप उस पर अगर हिम्मत है। बोलिए आ रहा हूँ भाई, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्पष्ट कहेंगे, अभी तक तो आप ठीक बोल रहे थे। अरे स्पष्ट अभी बता रहा हूँ, अरे आपके कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके सुकुमार ने कहा है कि आप करके दिखाइए जनगणना, नहीं होने देंगे, उसने कहा सड़क पे आएंगे, आपकी सरकार है, हैसियत हो तो करके दिखाइए। फिर वो राज्यसभा में मोदी से पूछिए, आप बताइए कि आप जाति जनगणना के पक्ष में हैं कि नहीं, अरे बताइए आप, बताओ आप आरक्षण के विरोधी हो, बहुत संघ वाले आरक्षण के विरोधी है, कहिए आप भाजपा आरक्षण के विरोधी है, कहिए आप आरक्षण नहीं चाहते, आप आरक्षण खत्म कर रहे हैं, भाजपा आरक्षण खत्म कर रही है। अरे हमने तो बिहार में हमारे प्रहलाद जोशी जी संसदीय कार्य मंत्री ने खड़गे जी से कहा कि आपका डिप्टी सीएम तो खुलेआम विरोध कर रहा है, धमकी दे रहा है कि कर्नाटक में जातिगत जनगणना को उजागर नहीं करेंगे, तो खड़गे जी जानते क्या बोले, अरे वो तो आप ही की तरह है। ये खड़गे जी का रिकॉर्डेड बयान है, मान्यवर सुरेंद्र राजपूत जी अपनी पार्टी के बारे में थोड़ी जानकारी, नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए आप कहती थी पीछे पात पे इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, वो अपनी पुरखों की बात को रख के लात पे पार्टी ले आए फुटपाथ पे।